Now, okay, I'm I'm showing you one side. It's too dangerous. Okay, so everyone, just control on your tongue. Where? Well, control your her tongue and emotion. Because I'm going to show something you really got crazy after watching that video. So all are are you ready for it? Just say yes in the chat box. Just say yes. bring it on. B T O in the chat box.

Okay. Yes. Pizza base, tomato, olive, olive, olive. Yes. Cheese, ketchup, chili flakes, chili flakes, mushroom, mushrooms. Yes. So, can we say that there is a specific recipe to make a pizza? All the pizzas. If I want to make and a garlic no, pizza. No, sir. No. no, sir, no sir. Right. But There sir. are different types of pizzas and there are different types of recipes for it. Yes or no? आई एम एक्सप्लेनिंग यूथीज वे इन ए वेरी इजी वे ओके ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में कॉन्फिडेंस क्या चीज है और उसके इंग्रीडियंट हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली ये इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको समझ में आए की एक्चुअली में इंग्रीडियंट्स किस तरह से काम करता है जैसे कि हमें यहाँ पे बताया कि अगर कुछ स्पेसिफिक चीज है तो उसके काफी बार इंग्रीडियंट सेम रहते हैं जैसे कि पानी है वॉटर है तो उसके इंग्रीडियंट्स सेम है ओके okay? कि देर आर टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम्स उससे पानी बनता है तो आप अर्थ अर्थ के ऊपर कहीं पर भी अगर आप पानी लेते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको सेम नजर में आएगा यस yes सुनो no? तो लेकिन यहाँ पे yes. क्या हो रहा है कि इंग्रेडिएंट्स काफी अलग अलग है और उससे हम काफी अलग अलग आइटम्स बना सकते हैं लाइक इन सेम पिज्जा अलग अलग इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा हम बना सकते हैं तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है तो कॉन्फिडेंस में वही चीज होती है

Okay. Grains. So Grains. Yes, but nobody knows the proportions. Can you make the parleji at your home? Mm, no one knows not. exact recipe. Okay, Meat? but Meat, yeah, the ingredients are there, but the ratio we don't know that how much of ingredients there are uh, in the what proportion, because every most of biscuit uh, biscuits are made from wheat. Okay. लेकिन उसका जो प्रपोजन होना चाहिए ना कि इतने प्रपोजन में भी इतने प्रपोजन में शुगर वो रेशियो पार्ले जी का किसी को नहीं पता है राइट right? मीन्स जो बार नहीं तो सब उसका कॉपी कर लेते सेम फॉर कोको कोला कोको कोला का भी इंग्रेडिएंट्स किसी को नहीं पता है नहीं तो कोई कॉपी कर लेता उसका ये सुन लो सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कैसे है सेम है आप कहीं पे भी कोको कोला की बॉटल ले लो क्या आपको अलग अलग टेस्ट आएगी oh. क्यों सेम आएंगे क्योंकि उसका इंग्रेडिएंट

नहीं क्योंकि no. वो फिक्स है उसके फिक्स no. जो उनको बनाता है, अपनी ब्रांड के लिए आप कहीं होटल में गए चलो आपने एक बार कुछ मंगाया ऑर्डर किया उसका टेस्ट अच्छा लगा दूसरी बार गए टेस्ट बिगड़ गया तो, तो आप दूसरी बार वहां पे जाओगे फिर राइट no. no, right? तो वहां पे उसके इंग्रेडिएंट्स सेम होने चाहिए तब जाके हमें उसमें मजा आता है तब उसकी क्वालिटीज आती तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है अगर हमारे लाइफ में कुछ बैलेंस्ड वे तो ही हम कॉन्फिडेंस हो सकते हैं तो हमें तो जानना तो होगा ना कि वो रेसिपी कैसे बनती है ये सुन लो तो ही पता चलेगा ना कि कॉन्फिडेंस पे कैसे काम करते हैं अगर मैं आपको रेसिपी बता दूं कि पाले जी की ये रेसिपी है तो ही तो आप उसके जैसा बिस्किट बना पाओगे तो हमें इसीलिए अपने इंग्रेडिएंट को जानना है कॉन्फिडेंस के इंग्रेडिएंट को हमने जानना है यस yes क्योंकि हमारे पास रेशियो ही नहीं है सर तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है पर रेशियो नहीं यस यस काफी मिसिंग पॉइंट्स है जो आज हम करेक्ट करने वाले हैं ठीक है जानने वाले हैं फिर हम उसके ऊपर कैसे काम करेंगे वो आगे धीरे धीरे हम समझेंगे ठीक है ओके अभी yes. और तरीके से समझते हैं क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये लोग freedom कौन fighters. है राइट right? तो मुझे ये बताइए कि इनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं कौन सी क्वालिटी है सबके अंदर कॉमन जो उनको फ्रीडम फाइटर बनाती है दे आर पैट्रियोट ओके दे आर ब्रेव ब्रेवरी यस एल्स कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस यस व्हाट एल्स दे डिसाइडेड टू डू दैट yeah they have a nice. specific goal maybe we can say right yes. truth. truth they have yes. courage to fight courage to fight yes okay now uh, let's talk about uh, this one what is a common in common ingredient in this uh, these singers right they are uh, related to uh, religion religions yes Yes. Music. music, yes, they all read it with music. They are devoted <laughs> they devote to, to god. god. They, have, they have their specific goal to become a, they singer. Have a specific goal. Okay. They devote to a god. They are very devote to God, yes. Really great. Else? They have a nice voice. They have nice voice, absolutely. People would like to hear. Then.

काफी जितने भी फेमस के, उसके अंदर कुछ चीज कॉमन होती है और कुछ चीज यूनिक होती है जो उनको यूनिक बनाती है क्योंकि yes no? yes. वो, तो yes no? वो सबके अंदर सेम रहेगी जैसे कि वैल्यूज वो सब उन सब के अंदर कुछ वैल्यूज है राइट जो उनको सक्सेसफुल बनाती है yes no? तो कुछ क्वालिटी होगी जो सबके अंदर सेम होगी और कुछ क्वालिटी ऐसी होगी जो डिपेंड्स ऑन द फील्ड वो यूनिक रहेगी जो हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं यस देन अगेन इनके अंदर क्या होती है क्वालिटी दे आर गुड प्लेयर्स बट वाई वट मेक्स देम गु दे डू प्रैक्टिस हार्डवर्क राइट स्ट्रगल स्ट्रगलिटीज

नेचर के लिए उनको लव होता है गोड़ के प्रति उनको लव होता है और इससे क्या होता है वो हारमोनी हो जाती है उनकी नेचर के साथ और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे नए नए विचार आते हैं थॉट्स आते हैं जिनसे वो नए नए कविताएं लिखते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं राइट right? तो उनके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज है जो उनको यूनिक बनाती है लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी है जो उनको एक ग्रेट पीपल बनाती है ठीक है देन फेमस साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट के सबसे पहले क्वालिटी क्या होती है

तो ये स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी है जो उनको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाती है देखो एक चीज ऐसी होती है हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर स्पोर्ट्समैन है तो ये क्वालिटी चाहिए हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भी ये क्वालिटी आप डेवलप करो तो आप कुछ बन सकते हो तो ये डिफरेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो हमें क्या करना है ऐसी क्वालिटीज हमें बनानी है जो हमें एक अच्छा एक पर्सन बनाए फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे हमें लाइफ में क्या करना है लेकिन कुछ एथिक्स तो होने चाहिए ना हमारे यहाँ पे ये सुनो राइट right? yes. अभी किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक नो no. ओके okay. no. तो यहाँ तक सबको क्लियर राइट कि क्या समझाना yes. चाहता हूँ लोग हैं उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं यूनिकनेस होती है लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें सेम होती है तो वाई शुड बी नॉट फोकसिंग ऑन द मोस्ट ऑफ सेम चीज जो हम लाइफ में लाके एटलीस्ट कुछ अचीव कर सकते हैं बाद में वी विल डिसाइड फर्दर की वॉट इज माई स्पेशलाइजेशन फील्ड ओके तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट्स कॉल्ड द एम्बिशन एम्बिशन होने चाहिए हमारी लाइफ में ओके okay. जो हमें डिसाइड करे हमें हेल्प करेगा कि एक्चुअली में हमें क्या करना है एम्बिशन का मतलब ये होता है कि कुछ भी अगर हम विश करते हैं हमारा क्या होता है हाँ एक रात को डिसीजन लिया इस बार तो मैथ्स में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं दो तीन दिन हुए अरे मैथ्स तो बोरिंग है जाने दो कुछ नहीं करना है होता है ऐसा तो आप एम्बिशंस नहीं हो आपने जो डिसाइड किया आपने जो डिसीजन लिया उसके लिए आपको काम करना पड़ता है राइट कंटिन्यूस आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं और इसके लिए एंबी, एंबीशन होना एंबीशन होना बहुत जरूरी है ओके और एमबीसीएस होने से आपके अंदर ये धीरे धीरे और क्वालिटीज आती जाएगी जैसे कि गांधी जी थे वो एमबीसीएस थे राइट उनका एम था कि भी इंडिया को फ्रीडम दिलाना है साइंटिस्ट वो होते कि मुझे ये प्रोडक्ट डेवलप करनी है मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एमबीएसएस जो स्पोर्ट्समैन होते हैं कि भी इस टाइम तो मुझे विकेट लेनी ही है मुझे हंड्रेड रन सेंचुरी तो मारनी ही है सो दीज आर द और उसकी वजह से उनको मोटिवेट मोटिवेशन मिलता है कि अब नेक्स्ट टाइम में ये करूंगा नेक्स्ट स्टेप में ये करूंगा लेकिन ही नहीं होगा तो फिर आप कहां से कर पाओगे तो ये जो फर्स्ट इंग्रीडियंट है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने का क्योंकि कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होता है उसके लिए कुछ एक्शन तो करनी पड़ेगी ना तो एक्शन कब करते हैं उसके लिए कुछ डिसाइड करना पड़ेगा डिसाइड ही नहीं करोगे तो एक्शन कैसे लोगे अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है मुझे घर से बाहर जाना है तब जाके आप खड़े हो गए ना क्या आप ऐसे चलोगे हाँ चलो निकल जाते हैं आप कुछ डिसाइड करते हो ना कि मुझे कुछ लेने जाना है कुछ करने जाना है देन यू टेक द स्टेप्स तो यहाँ पे भी एम्बिशंस होना बहुत जरूरी है तो ये फर्स्ट है तो पहले आप डिसाइड करो कि आपका एम्बिशन क्या है अगर डिसाइड नहीं है तो आप भूल जाओ कॉन्फिडेंस के बारे में ठीक है कॉन्फिडेंस लाना है तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक इंग्रेडिएंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लियर तो आपका एम्बिशन yes. बनना हो कि क्या आपको चाहिए लाइफ में गोल yes. डिसाइड करो ओके व्हाट इज नेक्स्ट फील्ड नॉलेज आपने एम्बिशन बना लिया कि मुझे क्रिकेट में जाना है मुझे सिंगर बनना है मुझे साइंटिस्ट बनना है मुझे डॉक्टर बनना है कुछ भी आपने डिसाइड किया

कुछ और ट्राई करते हो लाइफ में ठीक है और आप बनना कुछ और चाहते हो और इसी वजह से आप कभी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते और आजकल जितने लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है उनका रीजन यही है बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर देयर ओके और इसके लिए उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी एम्बिशन है जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप नॉलेज लो ऐसे मत नॉलेज सीख करो कहीं पे भी कि कहीं पे कुछ सीख लिया यहाँ पे आर्ट सीख लिया यहाँ पे साइंस सीख लिया यहाँ पे रोबोटिक सीख लिया और फिर बाद में कुछ नहीं फिर आप कह दो तो मैंने इतना कुछ गेन किया लेकिन लाइफ में कोई रिजल्ट ही नहीं है क्यों क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं था लाइफ में कि आप नॉलेज नॉलेज क्यों सीख कर रहे हो तो आपका आपका आपकी जो गोल होगा उसके हिसाब से आपको आपका नॉलेज लेना है अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर का ही नॉलेज लेगा अगर उसके अंदर उसको स्पेशलाइजेशन करना है जैसे कि किसी को किडनी स्पेशलिस्ट बनना है तो अभी वो दूसरी चीजों के बारे में स्टडी नहीं करेंगे वो किड के जो किडनी के स्पेशल चीज होगी उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेंगे एंड दे विल गेट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट स्पेशलिटी अगर किसी को पुलिस में जाना है किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है ठीक है तो वो उनका नॉलेज लेंगे गवर्नमेंट का नॉलेज लेंगे अभी वो किडनी का जान के क्या करेंगे फिर वो किडनी का नॉलेज लेके क्या करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नॉलेज सब लोग बोलते हैं नॉलेज लेना चाहिए नॉलेज लेना चाहिए बुक रीड करना चाहिए भाई कौन सी वो तो बताओ कौन सी बुक रीड करना चाहिए हाँ कैसे बुक रीड करना चाहिए कहाँ पे जाना चाहिए वो तो बताओ हम हमें रास्ता तो बताओ और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रास्ता बता रहा हूँ सारी पैटर्न कैसे चल रही है ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको इतना वे समझा रहा हूँ ठीक है एकदम को चॉकलेट की तरह आपको आप चबा सकते हो इसको डाइजेस्ट हो सकता है आपको ये बहुत बड़ा टॉपिक है लोग समझ ही नहीं पा रहे इसको कॉन्फिडेंस को जो मैं आपको इतना इजी वे समझा रहा हूँ राइट थर्ड थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस ठीक है क्योंकि आपके पास गोल हो गया नॉलेज भी आ गया चलो लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज एक्चुअली में कैसे इंप्रूव होती है इस चीज के अंदर क्या मिस्टेक्स है और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की भी जरूरत है जैसे कि हमने बात की किडनी स्पेशलिस्ट तो उसने नॉलेज तो ले लिया कि इसके क्या होती है कौन कौन से ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं में ही नहीं पकड़ी है, कभी ही नहीं किया है। तो क्या, आप उसके एग्जाम मेंंड्रेड परसेंट वो रिजल्ट दिखाया गया देखो मेरे पास हंड्रेड परसेंट है चलो मैं आपको ऑपरेशन करता हूँ आप जाओगे राइट यू नॉट गो इसलिए वहां पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को ठीक है स्कूल के अंदर जब आपकी <laughs> कॉलेज वगैरह होगी तब साथ में प्रैक्टिस होती है क्यों क्योंकि उसके उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है कुछ जिस पर टिके रहना यस yes, कंसिस्टेंसी का मतलब काफी बार क्या होता है फिर हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं फिर हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ वी आर वी डोंट रीड मोर फिर वहां पे हम स्टॉप हो जाते हैं यस वो इससे एनी क्वेश्चन हेलो सर विश्वेश टेलिंग यस विश्व इज एनी क्वेश्चन नहीं नो सर या आई नो आई नो यू आर हियर ओके ऑलराइट सो कंसिस्टेंसी में क्या होता है आपको जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप ठीक है उसके ऊपर आपको टिके रहना बहुत जरूरी है काफी बार क्या होता है हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ, अभी तो हमें सब कुछ आता है हमें क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप फेल हो जाओगे अगेन और और इसीलिए इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाएगा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में जैसे कि आपने सचिन सचिन तेंदुलकर को देखा होगा ठीक है कि वो कितनी प्रैक्टिस करते थे जब भी नई मैच आने वाली है नई चीज आने वाली है है कि नहीं है लेकिन वो उनकी कंसिस्टेंसी चालू है प्रैक्टिस ऑलवेज चालू है ओके और उसकी वजह से क्या होता है कंटिन्यूस उनका इंप्रूवमेंट होता है कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है ओके क्लियर एंड दैट्स हाउ दे आर बिकमिंग मोर सक्सेस सक्सेसफुल पर्सन इन दैट स्पेसिफिक फील्ड अभी सचिन तेंदुलकर अगर सिंगिंग सीखते तो क्या वो अच्छे सिंगर बन पाते क्या अगर no, लता no, मंगेशकर अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करते क्रिकेट में तो क्या वो अच्छे क्रिकेटर बन पाते नो no, सर तो पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एक

जरूरी है कि आपका गोल डिसेंट होना चाहिए, ठीक है? है? और तब भी जाके कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी, क्योंकि कब होती है जब आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आप no. नहीं, तो नहीं है आपको चलो ठीक है तो क्या आप फिर उसके अंदर प्रैक्टिस करोगे बार बार ग्रेट द फिफ्थ वन राइट मेंटर ओके okay, ये बहुत जरूरी है काफी बार क्या होता है कि आपको कहीं पे अगर आप फंस गए मान लो कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है आ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको नॉलेज भी आपका है आ, आपने फील्ड भी चूज कर ली है लेकिन कहीं आप अटक रहे हो आपको पता नहीं चल रहा कि अभी मैं आगे क्या करो आप डिमोटिवेट हो जाते हो तब आपको एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है देखो आप जितने भी अच्छे पर्सन है जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उनके कोई ना कोई गुरु रहते हैं या तो वो बुक में से नॉलेज लेते हैं या तो उनके कोई स्पेसिफिक मेंटर्स होते हैं जैसे कि अर्जुन थे तो उनके कृष्ण एज ए मेंटर थे आ, काफी जैसे कि गांधी जी थे तो उनके भी मेंटर थे सचिन तेंदुलकर तो उनके भी मेंटर थे सबके लाइफ में मेंटर्स होते हैं ठीक है ठेके? जो उनको मोटिव मोटिवेशन देते हैं इवन शिवाजी के लाइफ में भी मेंटर थे तो मेंटर लाइफ में होना बहुत जरूरी है नहीं तो आप आ, कहीं ना कहीं अटक जाते हो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज चाहिए बट मेजोरिटी चाहिए और ये जरूरी है क्योंकि उनके पास काफी एक्सपीरियंस रहता है उस फील्ड का जो आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं वहां पे पहुंचने के लिए गेटिंग माई पॉइंट राइट सो दैट्स द फिफ्थ वन राइट मेंटर फाइंड द राइट मेंटर विच विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल ओके एंड सिक्स वन इंटीग्रिटी कौन बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब इसका मतलब है लाइफ में वैल्यू जो होती है ठीक है जैसे कि सच बोलना है honesty, uh, रहना है किसी की भी डिसीजन पे तो इंटीग्रिटी में क्या होता है काफी बार हम कुछ चीज हासिल कर लेते हैं फिर हमें थोड़ा इगो आ जाते हैं काफी बार तो हम किसी और को नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं हम किसी और की फिर निंदा करने लगते हैं तो फिर वो चीज होने लगती है तो वो भी हमें वहां पे कंट्रोल में लानी है ठीक है तो इंटेग्रिटी में क्या होता है आपको बैलेंस करना है अपने वैल्यूज को अपने क्या होता है आप काफी अचीव कर सकते हो अपनी ओके तो इंटीग्रिटी okay. पता चल गया यानी कि एथिक्स कुछ वैल्यूज होनी चाहिए जैसे कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल है वो जो भी बोलते थे वही करते थे वो जो सोचते हैं वो जो करते हैं ठीक है उनकी जो एक्शंस होती हैं और जो वो सोचते हैं करते हैं और लोगों को बोलते हैं करने के लिए वो सारी चीजें सेम होनी थी चाहिए ठीक है थीके? और वो बैलेंस में है ना, करने चाहिए। और मैं एक भी नहीं कर रहा हूँ तो, तो कुछ मतलब इसका हुँ? तो यानी कि मैं अगर कुछ कहता हूं आपको यानी कि अगर मैं नहीं करता तो आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वहां पे आप कहीं ना कहीं पे हेजिटेट हो गए ठीक है और इसीलिए इंटीग्रिटी वहां पे जरूरत है क्योंकि इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस आपका टूट सकता है और वो कॉन्फिडेंस ना टूटे और इसीलिए इंटीग्रिटी आपकी जरूरी है और इंटीग्रिटी बहुत बहुत अच्छा पार्ट है और वो आपको कहाँ से मिलेगा शायद अपने पेरेंट्स के थ्रू मेंटर के थ्रू या तो स्पिरिचुअल बुक्स के थ्रू ठीक है जैसे कि श्रीमद गीता है या तो बाय रीडिंग अदर बुक्स तो स्पिरिचुअलिटी से आपकी इंटीग्रिटी बढ़ती है अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ फिर से आप टूट कुछ हासिल किया, तो किया था दुर्योधन था उसने भी काफी हासिल किया था लेकिन उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं थी और इंटीग्रिटी नहीं थी और उसके लिए उसको मारना पड़ा उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना पड़ा गोड़ ने ओके यस युवराज स्पिरिचुअल स्मिथ आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो होते हैं ना हम भक्ति वगैरह करते हैं राइट लाइफ में तो इंटेलेक्चुअल भक्ति होनी चाहिए जिससे हमारा बिलीफ बढ़ता है चीजों के प्रति और हम अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ क्वालिटीज बेसिकली ठीक है वहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं और इसलिए वो पार्ट भी जरूरी है कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए क्लियर नाउ द लास्ट वन ओके एवरी जस्ट से सो मी ओके एस एम इन द चैट बॉक्स टाइप एस एम इन द चैट बॉक्स Wow. All right. so सो last वन इज सेल्फ रिफ्लेक्शन ठीक है जब आप ये सारी चीजें करोगे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे तब आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी आप कुछ फील करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लोगों से और तब आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि मेरी यहाँ पे आने की वजह क्या है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया ठीक है इस टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड ओके okay, क्योंकि इस स्टेज पे आपको एहसास होगा कि आप एक अच्छे आ, एक सक्सेसफुल एक पर्सन बन चुके हो और तब आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो क्या होगा आप भूल जाओगे और आप सेल्फिश बन जाओगे और वो ना बनो इसीलिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे थे पहले आपकी जर्नी कैसी रही थी कितना हार्ड टाइम आया था और आपने उसको किस तरह से फेस किया ऐसे कौन कौन से पर्सन थे आपके पेरेंट्स थे बुक्स वगैरह जो है बोर्ड uh, का जो टच uh, है राइट right? तो so, ये सारी चीजें आपके आपको याद आनी चाहिए और डेस हाउ यू विल शो द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग एंड इट विल ब्रिंग मोर कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ क्लियर एवरी वन और नो ठीक है जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए चाहिए जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आई एम टॉकिंग अबाउट ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग जस्ट कॉमन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस अगर आपको लाइफ में अचीव करना है तो यू हैव दिस सेवन इंग्रीडियंट्स जो आपके कॉन्फिडेंस को एक मजबूत सेप देगा ओके सो कॉन्फिडेंस क्रम कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग जो हमें प्रैक्टिस की हमने बात की ठीक है और डिसिप्लिन कैसे आएगी जब ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तब आपके अंदर डिसिप्लिन आएगी और तब जाके आपका एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आप फील करोगे अपने अंदर और फिर आपको एक लाइफ जीने का जो आपका अंदाज होगा वो पूरा अलग होता है